चलिए आज बनाते हैं चॉकलेट केक। तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चॉकलेट केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी, कितना एकदम से मॉइस्ट मॉइस्ट केक और बहुत ही यमी यमी देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज कितना अच्छा है। तो इस तरह का चॉकलेट केक बनाने के लिए चलिए अभी हम रेडी करते हैं पहले हमारा माउल्ट। तो सबसे पहले हमने रेडी करना है माउल्ट। तो माउल्ट को रेडी करने के लिए आपने उल्टा माउल्ट रख के उसके ऊपर वाटर पेपर रख के उसको उतनी ही शेप में कट कर लीजिए। उसके बाद उसमें ऑयल डाल के उसकी ग्रेसिंग कर लीजिए अच्छे से और बीच में बटर पेपर रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा माउल्ट रेडी है। सबसे पहले आपने यही काम करना है कि अपना माउल्ट रेडी करना है। उसके बाद अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यहाँ पे आपने लेना है 160 ग्राम्स। तो फ्रेंड्स, आप इंस्टेंट कंडेंस मिल्क कैसे बना के रेडी कर सकते हैं वो वीडियो मैंने बना के अपलोड करी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हमने लेना है ग्राइंडेड शुगर। शुगर आपने यहाँ ग्राइंडेड लेना है और एक कप शुगर ले रही हूँ मैं। आप एक ही कप से मैं पूरा मेजरमेंट लूंगी, हर चीज़ का मेजरमेंट इसी कप से जाएगा। आपने एक कप शुगर लेना है और 3/4 कप आपने कंडेंस मिल्क लिया है। अब 3/4 कप आपने मेल्टेड बटर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉलिड बटर लिया है, अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो ये 3/4 कप आना चाहिए। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे बटर ले लेना है। अब इन तीनों चीजों को आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ और फिर उसके बाद आपने इसको विस्क करना है। अगर आपके पास विस्कर है, इलेक्ट्रिक विस्कर, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल विस्क से भी विस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने इतना विस्क करना है कि ये एकदम से फ्लफी हो जाए, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका। इतनी देर तक आपने इसको विस्क करना है। तो आप इसको किसी भी तरीके से विस्क कर सकते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर लास्ट में आपका बनता है वो इस तरह का होना चाहिए, एकदम फ्लफी, वाइट और क्रीमी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बटर की जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, बट क्वांटिटी उसकी हाफ कप रहेगी। अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो हाफ कप, अगर आप मेल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो 3/4 कप। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे मैदा 1 कप, 1 टीस्पून हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ में हम लेंगे यहाँ पे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। इन दोनों तीनों को आपने एक छन्नी में डाल लेना है और उसके बाद इसको छान लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छान लीजिए और जो भी बीच में बचता है इसको चम्मच से इस तरह से शेक करिए, तो जो भी है इसमें कोको पाउडर और मैदा वगैरह वो सब निकल जाएगा। बाकी लास्ट में अगर कुछ मोटा मोटा बचता है तो उसे आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये सब हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। तो आपने इसको मिक्स करना है सिर्फ एक डायरेक्शन में और बीच में इसको कट देते जाना है, इस तरह से एक डायरेक्शन में और बीच में कट देते जाएं। बस इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसको एक इसका घोल बनाना है हमने। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है और 1/2 कप दूध के हिसाब से ही मैं यहाँ पे मिक्सचर बनाने वाली हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा जो ये जो बैटर बना है ये पूरा एकदम से क्रीमी और फ्लोइंग ना हो जाए, तब तक हमको इसको मिक्स कर लेना है। और आपने इसको ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है कि एकदम बस चलाते ही रहो, बस 1-2 मिनट के लिए ही इसको चलाना है। और अब देखिए, मुझे ये हार्ड लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा दूध और डाल रही हूँ। तो दूध हमेशा आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से दूध सारा ना डाल दें, उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपका केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आपका जो जो बैटर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपका जो बैटर बनता है उसकी। तो अभी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मिल्क ऐड करिए, अगर ज़रूरत ना लगे तो मिल्क आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ऐसी होनी चाहिए। तो 1/2 कप दूध से भी मेरा थोड़ा सा दूध जो है वो बच गया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, तो वेनिला एसेंस डाल दीजिए या फिर यहाँ पे आप चॉकलेट एसेंस डाल दीजिए। बस हो गया हमारा ये बैटर तैयार। तो इसको ज़्यादा भी शेक नहीं करना है, बस हो गया है। अब हमने मोल्ड ले लिया है और लास्ट में हम एक चीज़ डाल रहे हैं, वो है विनेगर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास विनेगर है तो डालिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो मत डालिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विनेगर हम यहाँ पे क्यों डालते हैं, इससे ना केक का स्पॉन्ज और भी ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना इसके भी केक का स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनने वाला है। तो बस इसको डाल के आपने 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब आप कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर इसको बस मोल्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है विनेगर डाल के। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको मोल्ड में ट्रांसफर कर लीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा टैप करिए। 3-4 बार टैप करने के बाद अब हम इसको बेक करेंगे
सॉरी पतीले में, ठीक है, भगोने में, पतीले में, जो भी आप बोलो। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे बेक किया है, मुझे बेक करते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं इसको। तो 25 मिनट्स के बाद ये इस तरह का है, तो मुझे इसको 30 मिनट्स तक बेक करना है। आप 30 से 35 मिनट्स तक इसको बेक कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पे जो भगोना है, जो पतीला है आपका, उसको पहले आपने प्री हीट कर लेना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा स्पॉन्ज जो है केक का कितना मस्त वाला तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और आप देखिए मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आ रही है, हमारा केक पूरा बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो बस इसको अभी आप बाहर निकाल दीजिए और इसे अब हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको पलट लीजिए और पलट के इसका जो बटर पेपर है उसको निकाल लीजिए। तो बस इसे अभी हमें थोड़ी देर के लिए और ठंडा करना है ताकि इसका जो धुआं धुआं आपको दिख रहा है निकल रहा है अभी, तो थोड़ा सा ये गर्म है अभी। तो स्पॉन्ज आप देख सकते हैं, स्पॉन्ज तो इसका बहुत अच्छा बना है। अब हम इसको ठंडा हो गया है मेरे केक और मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको पीसेस। तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना मॉइस्ट और कितना अच्छा बना है। ये देखिए स्पॉन्ज बहुत अच्छा आया है। तो अगर आप इस तरह से केक बनाएंगे ना, श्योर आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। विनेगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए उसको, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी आपने जैसे जैसे मैंने बताया है, पतीले में आपने अपने केक को रखना है, प्री हीट करना है पहले उसको और फिर उसके बाद आपने केक रखना है। तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना अच्छा बना है। क्वांटिटी इतनी इतनी रखना और केक आपका परफेक्ट बन के रेडी होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ एक बार बता ज़रूर देना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नई और वीडियोज़ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।